चांदपुर के निकटवर्ती ग्राम स्याऊ निवासिनी शकुंतला देवी दवाई लेने व अन्य काम से चांदपुर आई थी। अपने घर स्याऊ लौटते वक्त तहसील के निकट जहां पर पुलिस पिकेट भी रहती है, वहीं पर दो युवा उच्चकों ने कोने में महिला को रोककर उसके कानों के कुंडल, मोबाइल एवं पर्स छीन लिया। दोनों चोरों ने घटना को इस तरह से अंजाम दिया कि महिला को यह महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक महिला समझ पाती कि मेरा मोबाइल, पर्स एवं कानों के कुंडल छीनकर ले गए हैं, तब तक चोर भाग गए। घटना के तुरंत बाद महिला ने शोर मचाया। शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई तथा चोरों की धरपकड़ के लिए लोग इधर उधर भागे, परंतु परिणाम शून्य रहा। यहां पर घटना चोरों के द्वारा पुलिस के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। दोनों उच्चकों ने फिल्मी स्टाइल पर कार्य किया। पिछले एक माह में आधा दर्जन से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं, जिनमें से केवल बैंक से थैला चोरी प्रकरण में एक चोर को पकड़ा गया है। बाइट पीड़ित महिला शकुंतला। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। अम्मा, क्या नाम है आपका? शकुंतला। तो आज आपके साथ कैसे कैसे घटना हुई है? मेरी घटना हुई है, बस मैं अपनी दवाई लेकर आ रही थी सिटी लोक से, और मेरे अड्डे पर रोका, और रोक के उन्होंने बोला तो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, और बताया कि तुम्हें तुम्हारे घर की शांति पहुँचाएंगे। मैं बोली मैं हम तो घर को जा रहे हैं भैया, मगर वहाँ के बालक परेशान कर रहे होंगे, मगर मुझसे तो चलाना तक सवेरे सवेरे आई थी दवाई ले। फिर क्या हुआ? तो फिर मुझे बोला कपूर के टीका ला दो मुझे, तो पर दूसरा वो फिर आया बोले अम्मा ठीक है ये ठीक बता, मैं भी पूछ रहा हूँ तो ठीक बताओगा तुम, चलो कपूर के टीका ले आ, मैं हम दोनों फिर वो मुझे ले गया। मैं बोली मैं भैया यहाँ काम ही लगे सुन लो, ले गया तिलखन लो पर तक जहाँ मुसलमान रहते हैं, पर जहाँ वो बनते हैं पलंग उलंग बनाते हैं लोग अपने, तो उन्हें ले जाकर फिर वापस कर लाया। फिर वो भी वहाँ आएगा पिलखन के नीचे पूरा खोखे के पास में दूसरा वाला, तो बोला मैं ठीक है मुझे भी सही बात लग रही है, और तुम कुंडल बोला कुंडल निकाल दो, उसमें कुछ नहीं बताया जाना का, कुंडल निकाल कर तुम अपनी ठंड में रख लो। तो मैं बोली मैं भैया मुझसे कुंडल नहीं निकलते, मैंने जब से पहले मैंने निकाली नहीं कभी भी, तो बोला लाओ मैं निकाल दूँ। मैं बोली मैं ना भैया मैं ना निकाल कुंडल, उन्हें निकाल कर बस मेरे ठंडे में गई थी कुंडल, ये वाला गुट्ठी है तुम्हारे हाथ में गुट्ठी निकाल दो, ये वो गुट्ठी तो मैंने हाथ से निकाल दी अपनी, वो बोला तुम ही लो जाओ तुम्हें कुछ दिखाई देगा, बस वो थैला हाथ में से ले जाएगा, तुम आके पहन लो सारी चीज़ अपनी, और वो मोबाइल वाला अपना हाथ में ले लियो अपना, वो मोबाइल भी था उसमें, दवाई थी मेरी, पैसे भी थे 401 रुपये पास था मेरा उसमें, तो लेके चले गए सब लेके चले गए, कुछ पता नहीं चला मुझे, कुछ पता नहीं चला। तो लड़के कैसे थे, देखने में कैसे थे? एक काला सा ठुमड़ा सा लड़का था, उन्होंने काली टी शर्ट पहन रखी थी, जींस पहन रखी थी, एक लंबा सा गोरा सा था, उन्होंने शर्ट पहन रखी थी गुलाबी से धारी उधारी, और जींस पहन रखी थी पैंट, फिर मुझे पता नहीं लगा, पता नहीं मैं वापसी जो लौटी वो उन्हें पता नहीं लगा मुझे कुछ भी।